من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وقرة عيوننا ومولانا وطبيب قلوبنا وحياة أبداننا مأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دائما أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا شفينا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا شفينا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على النبي الأمي وآله صلاة دائمة بدوام ملك الله وصل عليه وعلى آله وأصحابه بعدد كل ذرة ألف ألف مرة كلما ذكرك وذكره ذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكر الغافلون عدد ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وبعدد قطرات الأمطار وبعدد أوراق الأشجار وبعدد كواكب السماء وبعدد ذرات الأرض وبعدد كل ذرة كل لمحة كل نفس كل شيء ألف ألف مرة عدد ما تحبه وترضاه وعدد ما يحبك ويرضاك وصل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مالک یا خدا نے اسے دو جہان کا مالک کیا خدا نے اسے دو جہان کا ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں تعریف آپ کی نہ کریں ہم تو کیا کریں یہ تو غذا ہے دل کی مزہ ہے زبان کا مسند لگی ہوئی ہے میرے بادشاہ کی اس جا جہاں نہ دخل ہو وہم و گمان کا اپنے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق جن کے قدم سے فخر بڑا آسمان کا عرش پہ جانا جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں عرش پہ جانا جا کر آنا سب کے بس کی بات نہیں کنکریوں سے کلمہ پڑھانا سب کے بس کی بات نہیں ڈوبی نماز عصر علی کی میرے نبی نے پڑھوائی چھوٹی نماز عصر علی کی میرے نبی نے پڑھوائی ڈوبے سورج کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں کھارا پانی میٹھا کرنا اور چھڑی روشن کرنا کھارا پانی میٹھا کرنا اور چھڑی روشن کرنا صحرا میں گلزار کھلانا سب کے بس کی بات نہیں جابر کے گھر مردہ بچوں کو پھر سے زندہ کرنا کھائی بکری کو پلٹانا سب کے بس کی بات نہیں ایسا کوئی رسول بھی ہے عز و شان کا اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں
अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मुख्तसर जामे तारुफ दिया। कुरान तो भरी पड़ी है जिक्र मुस्तफा, लेकिन इस दुनिया में बेअसत के लिए, आपकी तशरीफ आवरी के लिए इरशाद हुआ, वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली व कफा बिल्लाहि शहीदा। वही है वो ज़ात जिसने भेजा अपने रसूल खास को हिदायत और दीन हक के साथ, लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, ताकि उसको गलबा अता करे हर दीन पर। वकफा बिल्लाहि शहीदा, और अल्लाह काफी गवाह है। कुरान करीम के लबुल इज्जा बेसत मुस्तफा का ऐलान कर रहा है, रब ने भेजा अपने रसूल खास को, दुनिया में किसी भी शख्सियत के तारुफ के लिए उसका हसब नसब बुनियाद होती है, असास होती है कि हसब क्या है और नसब क्या है। हसब किसको कहते हैं? हसब वो कमाल है, वो मर्तबा है, वो पोजीशन है, वो स्टेटस है, वो ग्रेसफुल रेस्पेक्टफुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। कोई अपनी कोशिश से बड़ा ताजिर बन जाता है, अब उसकी पहचान, अरे वो बड़े बिजनेसमैन है। कोई अपनी काविशों से सियासी मैदान में घोड़े दौड़ाने लगता है, अरे वो कॉरपोरेटर साहब है, एमएलए साहब है, एमपी साहब है, मिनिस्टर साहब है। कोई इल्मी दुनिया में घोड़े दौड़ाता है, ये प्रोफेसर साहब, ये डॉक्टर साहब है, ये इंजीनियर है, ये साइंटिस्ट है, ये साइकेट्रिस्ट है, ये पल्मोनोलॉजिस्ट है, ये कार्डियोलॉजिस्ट है, ये आर्थोपेडिशन है, ये पेडियाट्रिशियन है, ये यूरोलॉजिस्ट है, ये न्यूरोलॉजिस्ट है, वगैरह वगैरह। अब ये पहचान बन गई और इसी से एक आदमी की इज्जत किसी खानदान में जब बढ़ती है तो सिर्फ उसका हसब ऊंचा नहीं होता, पूरे खानदान का सर ऊंचा हो जाता है। क्यों? कि भाई एक आदमी ने हाईली एलिवेटेड पोजीशन एक्वायर कर ली, यह है हसब। अब एक है नसब। हसब बनाना इंसान के हाथ में है, हसब अपनी मर्जी से हासिल करना इंसानी काविशों का नतीजा है, हसब इंसान की तगड़ो कोशिश स्ट्रगल से हासिल हो सकता है, लेकिन नसब हासिल नहीं हो सकता। नसब तो वो चीज है कि रब ने जिसको जिस खानदान में पैदा कर दिया वही उसका नसब होगा। अब किसी जात के तारुफ के लिए जब यह देखा जाता है कि हसब क्या है और नसब क्या है,
जब यही तारुफ कुरान दे रहा है अपने महबूब के बारे में, तो रब फरमाता है मैंने जिसको भेजा है वो ऐसा अजीम शान है कि जब आ रहा तो हिदायत का सर चश्मा लेकर आ रहा है, हादीए बरात बन के आ रहा है, मोहसिन इंसानियत बन के आ रहा है, इंसानियत को दर्श देने वाला, सारी इंसानियत का नजात दहंदा, यही वो जात है जिससे सारी इंसानियत का सर बुलंद हो जाता है। और नसब, बात है जब नसब की होगी, अभी आपने सुना ना, मैं उसी तरफ जा रहा हूं। कौन है ये? ये अरब के कबीले कुरैश की वो बाबरकत हस्ती है जिसकी वजह से पूरे कबीले का सर ऊंचा हो गया। कौन है ये? ये कुरैश में हाशमी घराने का वो फर्द फरीद है जिस पर पूरा परिवार नाज करता है। सुभान अल्लाह। कौन है ये? ये वो है कि जिसके आने से ये सिर्फ तैबा बन गया। हाय हाय हाय। बहारें आ गई, फिजाएं बदल गई, हवाओं का रुख बदल गया, लोगों की बोली बदल गई, तहजीब बदल गई, तमद्दुन बदल गया, रहन सहन बदल गए, खाना पीना बदल गया, उठक बैठक बदल गई, चलना फिरना बदल गया, सांसों के अंदाज बदल गए। मुझे कहे तो घरों में ही इनकलाब नहीं आया बल्कि फिजाओं में ऐसा इनकलाब पैदा हुआ कि जो इंसान इंसान तो था लेकिन उसके पास इंसानियत नहीं थी, वो आदम साहब जो दरिंदा सिफत था अब इस मंजिल में आ गया कि फरिश्ते उस पर रश करने लग गए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, हुजूर आफताब खिताबत। वो बिजली का था या सौते हादी, वो बिजली का कड़का था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, एक आवाज में सोती बस्ती जगा दी, नहीं एक लगन सबके दिल में लगा दी, उधर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खे कीमिया साथ लाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो आया है जिसके आने का पूरी कायनात को इंतजार था। अल्लाह अकबर। वो आया है जिसकी आमद आमद के तराने आदम से लेके ईसा तक 124,000 ने दुनिया को दिए थे। किसी बड़ी हस्ती के आने से पहले तशहीर होती है, तशहीर के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मोड्स एज पर द पर्सनैलिटी इज रिलेटेड, एज पर द पर्सनैलिटी पोजिशन इज कंसर्न। जैसी शख्सियत होती है वैसा ऐलान होता है, वैसी तस्वीर होती है। आदमी बड़ा होता है, बैनर्स लगाए जाते हैं, फोल्डर्स लगाए जाते हैं, होर्डिंग्स लगाई जाती है, पैम्फलेट तकसीम किए जाते हैं, रेडियो पे ऐलान होता है, टीवी पे ऐलान होता है, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को आगाह किया जाता है। क्यों? कि आने वाली बड़ी हस्ती है, आने वाली बड़ी हस्ती है। सुनो, सारी मखलूकात में इंसान सबसे अफजल, इंसानों में अहले ईमान सबसे अफजल, अहले ईमान में अल्लाह के महबूब सबसे अफजल, अल्लाह के महबूबी में औलिया किराम सबसे अफजल, औलिया के बाद फिर शोहदा अफजल, सिद्दीकीन अफजल, अंबिया अफजल, रसूल अफजल। पता चला कि एक ऐसी हस्ती आ रही है अब जिसके ऐलान के लिए ना आम आदमी से काम लिया जा रहा है,
ना किसी लेमैन से काम लिया जा रहा है, बल्कि उसकी तशहीर आदम से कराई जाती है, इब्राहिम से कराई जाती है, यूनुस से कराई जाती है, नूह से कराई जाती है, यूसुफ से कराई जाती है, याकूब से कराई जाती है, ज़ुलकिफ़्ल से कराई जाती है, लूत से कराई जाती है, यूशा से कराई जाती है, इस्माइल से कराई जाती है, ये कराई जाती है। हर आने वाला ये कह रहा है, लोगों इंतजार उस घड़ी का है।